तो समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर पहले ही WWE प्लान कर रही थी कि हम लोग कोडी और ब्रॉक का आमना सामना तीसरी बार करवाएंगे, लेकिन अगर ब्रे वायट वापस आते हैं तो शायद वायट वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी हो सकता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो के अंदर बहुत सारी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज कोडी रोड्स और जो ब्रे वायट का मैच है शायद वो WWE प्लान कर रही है अब समर स्लैम के लिए, और कोडी ब्रॉक की कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आया है। बात साथ ही में एलेक्सा ब्लिस के बारे में भी करेंगे, बिकॉज लग रहा है जब वो वापस आएंगी सीधा उन्हें रिया रिप्ले के खिलाफ में एक मिलने बड़ा टाइटल शॉट समर स्लैम के अंदर। WWE के पास है हम सभी के लिए कुछ मैसिव प्लान्स, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप और भी कुछ न्यूज एंड अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो के अंदर। चलो सभी के बारे में जल्दी से करते हैं डिस्कस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, इस वाले जो न्यूज के सेगमेंट के अंदर तुम्हें एक स्पॉइलर जानने के लिए मिलेगा अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो का, तो अगर तुम लोग स्किप करना चाहते हो इस वाले पार्ट को तुम लोग पूरे टाइम लैप्स से स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं बात करने वाला हूं बिकॉज शेमस और थ्योरी के मैच के बारे में जो कि अगले हफ्ते होने वाला है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। जिन लोगों को नहीं पता है आने वाला जो स्मैकडाउन का शो है वो टीवी टेप सेगमेंट होने वाला है, और WWE ने ये जो सारे मैचेस है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखने हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है उन्हें सऊदी अरेबिया जाना, और सऊदी अरेबिया जाके वो लोग स्मैकडाउन वहां नहीं करवाएंगे। अब देखो जो अपडेट है ये सामने, फिर जो स्पॉइलर आया सामने वो ये है कि ऑस्टिन थ्योरी और जो शेमस का मैच है उसमें थ्योरी ने अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है और उन्होंने शेमस को हरा दिया, बिकॉज जो प्रीटी डेडली टैग टीम है जिनका रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में ही डेब्यू हुआ था और वो भी हुआ था अपने ब्रॉलिंग ब्रूट्स के खिलाफ ही, तो उन्होंने आके इंटरफेरेंस किया ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से और शेमस इसीलिए इस वाले मैच के अंदर हारते हुए नजर आए। अब क्या WWE वाले थ्योरी और शेमस का मैच या फिर जो पूरा फ्यूड है वो और आगे बढ़ाएंगे या फिर नहीं, ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर जो कि गो होम एडिशन है नाइट ऑफ चैंपियंस को लेकर, वहां पर एटलीस्ट जो शेमस है वो हारने वाले हैं और वो न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन नहीं बनने वाले। लेकिन आई होप सो कि शेमस एक सुपरस्टार हो जो कि एक्चुअल में थ्योरी को डिथ्रोन करें। लेकिन चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, ये हुई है रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के बारे में। अब देखो शो पर रूमर रेंज थे, ऊपर से हमने देखा पूरा जो पूरा स्मैकडाउन है ओवरऑल वो कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के अराउंड कंपनी बिल्ड कर रही है, लेकिन फिर भी जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले डाउनफॉल में गई है। पिछले हफ्ते व्यूअरशिप आई थी 2.068 मिलियन व्यूअर्स, जबकि इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 2.049 मिलियन व्यूअर्स। बात करूं पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में व्यूअरशिप आई है 2.085 मिलियन व्यूअर्स और दूसरे घंटे में जो व्यूअरशिप है वो आई है 2.012 मिलियन व्यूअर्स। देखो 2 मिलियन से व्यूअरशिप नीचे नहीं गई है, वो तो अच्छी न्यूज है स्मैकडाउन के लिए, लेकिन शो पर रोमन रेंस और जो ब्लड लाइन कितने इंटेंस स्टोर लाइन चल रही है, आई थिंक स्मैकडाउन को और भी ज्यादा व्यूअरशिप मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी चलो ये कुछ व्यूअरशिप रिसीव हुई है स्मैकडाउन के एपिसोड को, जो कि डिसेंट जरूर है और मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा अच्छी व्यूअरशिप है या फिर बहुत ज्यादा बेकार व्यूअरशिप है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, WWE के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जुड़ी है, बिकॉज लग गया ऐसा है जो कंपनी और WWE फैंस के लिए कुछ बहुत एक्साइटिंग प्लान करके रखा है। देखो जो रिसेंट हमें रिपोर्ट आई है सामने, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम ध्यान से WWE की बुकिंग देखोगे अब वो अलग लेवल के ऊपर एलिवेट हो रही है। जो आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है वो नाइट ऑफ चैंपियंस है, अगर तुम उसका पूरा कार्ड देख रहे हो वो एक्चुअल में टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा स्टैक्ड है, नो मैटर तुम उसके लिए हाइप हो या फिर नहीं हो। इसके बाद WWE लंदन UK के अंदर जाने वाली मनी इन द बैंक के शो के लिए, फिर WWE सितंबर में इंडिया आएगी, फिर समर स्लैम होने वाला है, यानी कि ओवरऑल जो कंपनी का मेन फोकस है वो एक्चुअल में एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ, और WWE फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि कंपनी जिस तरीके से चीजों को बुक कर रही है फिर जिस तरीके से चीजों को देख रही है वो फैंस के लेवल से भी बहुत अच्छी चीज है। एंड ये कुछ ओवरऑल अपडेट है ये सामने WWE के फ्यूचर को लेकर, कि एक्चुअल में जो कंपनी है वो फैंस को आने वाले टाइम में एक भरपूर एंटरटेनमेंट देने वाली है और बस फैंस को उस चीज के लिए रेडी रहना है। और नाइट ऑफ चैंपियंस जैसे छोटी सी झलक है उस चीज की, अब वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो रहा है ये तो रीजन है ही वहां के मड़े कार्ड का, लेकिन फिर भी ये ट्रिपल एच एरा के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है ना उसका भी पार्ट है कि WWE किस तरीके से अपने फ्यूचर शोज को बुक करती हुई नजर आएगी। सो लेट्स सी किस तरीके से ट्रिपल एच आने वाले साल के जो सारे शोज हैं या फिर इस साल के जो रेस्ट ऑफ द शोज है वो हम बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है द ब्रुटैलिटी रिया रिप्ले के बारे में। ऑफ कोर्स करंटली जो रिया रिप्ले वो हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, लेकिन बताया जा रहा है जैसे ही एलेक्सा ब्लिस वापस आने वाले हैं प्रोबेबली जो एलेक्सा ब्लिस है फ्यूड करेंगे रिया रिप्ले के साथ में। ये जो रिपोर्ट है जरूर न्यूज की तरफ से आई सामने, जरूर न्यूज ने एक तरह की बात कंफर्म की है अपने GEF ट्वीट्स के थ्रू कि भाई आने वाले टाइम में जब एलेक्सा ब्लिस एक बार फिर से वापस आने वाली है तो पॉसिबली समर स्लैम के 2023 का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वहां पर एलेक्सा ब्लिस और रिया रिप्ले का आमना सामना होगा। एंड फॉर श्योर जो मैच है वो चैंपियनशिप के लिए ही होने वाला है। ऑलरेडी रिसेंट टाइम में एलेक्सा ब्लिस ने अपनी जो रिटर्न है वो टीज भी कर डाली थी GEF के थ्रू कि वो भी कम बैक काफी जल्दी करने वाली है, तो लग रहा है एलेक्सा ब्लिस जब वापस आने वाली है तो WWE एक बहुत अच्छे खासे मैच कार्ड के अंदर बुक करेगी। एंड आई गेस रिया रिप्ले वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एक अच्छा फ्यूड होने वाला है समर स्लैम शो को लेकर, बिकॉज एलेक्सा रियली यू नो लिटरली बहुत पॉपुलर सुपरस्टार है और अगर वो एक चैंपियनशिप फ्यूड में चैंपियनशिप मैच में होती है आई गेस ऑडियंस भी इस चीज को देखे बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, ये ब्रे वायट कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। और अगर आप कोडी और ब्रॉक की कहानी के अंदर एक न्यू ट्विस्ट आने वाला है और वो ट्विस्ट है ब्रे वायट का, ये भी जो रिपोर्ट है वो जीरो न्यूज की तरफ से ही आई है सामने। जीरो न्यूज ने बात रिवील की है कि ब्रे वायट
पार्ट की जो प्लान है WWE के पास, कुछ इस तरीके से है कि अगर वो समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले वापस आ सकते हैं देन WWE चेंज करने वाली मेजर कोडी और ब्रॉक के फ्यूड में, और जो कोडी वर्सेस ब्रॉक थर्ड टाइम होने वाला था वो चेंज हो सकता है, और कोडी वर्सेस जो ब्रे वायट का मैच है या फिर कोडी वर्सेस फीड में भी, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं ब्रे वायट का नाम सामने आया, लेकिन कोडी वर्सेस जो ब्रे वायट का मैच है फिर वो हो सकता है समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। यप, एकदम सही सुन रहे हो आप, इस तरह का ये कह सकते हैं कि कोडी के अल्टरनेटिव प्लान है। एक प्लान तो यही कि कोडी और ब्रॉक का एक बार फिर से रीमैच होने वाला है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये अल्टरनेटिव प्लान भी है कि अगर बाय चांस हमारे ब्रे वायट वापस आ जाते हैं तब हम लोग कोडी वर्सेस ब्रॉक का पार्ट 3 तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे, हम लोग इनकी फ्यूड, इनकी जो राइवलरी है वो बाद के लिए छोड़ देंगे और समर स्लैम के अंदर ब्रे वायट और कोडी रोड्स का आमना सामना होगा। तो भाई ये कुछ प्लान आए हैं सामने, आपके हिसाब से कौन सी ज्यादा परफेक्ट चॉइस रहने वाली है, आपके हिसाब से क्या ब्रे वायट वर्सेस कोडी रोड समर स्लैम के बिहाव से एक बड़ा मैच होगा या फिर नहीं? इन दोनों का रीमैच अब नाइट ऑफ चैंपियंस में तो हो रहा है और मुझे लग रहा है इसे ब्रॉक लेसनर जीतेंगे, तो इससे क्या होगा 1-on-1 इक्वल हो जाएगा, और अगर ब्रे वायट के साथ फ्यूड होता है तो WWE अपने अगले साल के रेसलमेनिया के लिए कोडी ब्रॉक को बचा पाएगी। लेकिन आपकी क्या चॉइस रहने वाली बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ये चीजें जस्ट र्यूमर्ड, अगर ब्रे वायट वापस आ पाते हैं लेट्स सी कंपनी कौन सी चीजों को डिसाइड करती है। आई गेस कंपनी प्रेफर कोडी वर्सेस ब्रॉक ही करेगी एंड आई डोंट थिंक सो टू बी ऑनेस्ट कि कोडी वर्सेस जो वायट का मैच है वो समर स्लैम के अंदर होगा। चलो अब इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई वही पुराना काम करो, फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो और साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।